नया साल में सभी को मैंने हैप्पी न्यू ईयर और बजरंगबली सभी को मनोकामना पूरा करें। भगवान से यही कि यानी कि आने वाला जो दिन हो अच्छा से गुजरे सबको। आज के दिन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ईश्वर का आशीर्वाद लेके और पूरे जो नया साल की है इसको अच्छे से मनाएं। भगवान से तो इस ये साल मेरा अच्छा जाए, पिछला वाला साल तो बहुत बुरा गया है। बाल बच्चा का सौभाग्य मांगा जाता है, अच्छा साल बीते और क्या मांगेंगे। लाइफ में पहली बार आए यहाँ पे नया साल में, यह भीड़ हम कभी नहीं देखे, इतना कभी नहीं देखे। माँ है चढ़ाए हैं प्रसादी और चले जाते थे। भगवान से मांगेंगे कि हमारा देश आबाद रहे, मेरा बाल बच्चा सुखी रहे, जो बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं वो सुखी रहे। हम माँ है सबका आशीर्वाद देते हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं जी। नया साल कैसा बीतेगा? हाँ, नया साल अच्छा बीतेगा। आपको भी शुभकामनाएं, लाइव सिटी के सारे परिवार को शुभकामनाएं और पूरे बिहार वासियों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लव सीरीज, मैं आपके साथ प्रेम राज। 1/1/2023 यानी कहे तो नए साल का शुरुआत हो गया और हम पटना जंक्शन पे है, महावीर मंदिर के पास है। और यहाँ पे देखिए जो तमाम लोग हैं वो अंदर मंदिर में जाना चाहते हैं, जो महावीर मंदिर है वहाँ पे जाके भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, भीड़ देख सकते हैं और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आज नए साल में क्या भैया महावीर मंदिर आए हैं। हाँ, अंदर गए कि नहीं है? अंदर भी नहीं गए, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भी। क्या नए साल में भगवान से क्या मांगे? भगवान से यही कि यानी कि आने वाला जो दिन हो अच्छा से गुजरे सबको। अच्छा से गुजरे, अच्छा से गुजरे। इतना एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या कहिएगा भैया नए साल में महावीर मंदिर आए हैं? जी जी, नए साल में हम लोग महावीर मंदिर आए हैं और आज के दिन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ईश्वर का आशीर्वाद लेके और पूरे जो नया साल की है इसको अच्छे से मनाएं। मंदिर में गए? नहीं, जा तो नहीं पाए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस कारण जी बहुत ज़्यादा भीड़ है। जाइएगा तो क्या मांगिएगा? जाएंगे तो अपने और अपने परिवार की सुख शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान। तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं और जा रहे हैं। आंटी, नया साल है, नए साल में प्रवेश कर गए हम लोग, आज महावीर मंदिर आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अंदर गए कि नहीं? अभी नहीं गए, अब जाएंगे। बहुत भीड़? हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा। अंदर भगवान से क्या मांगने वाले हैं, क्या दुआ कीजिए? दुआ करेंगे कि ये साल अच्छा जाए, सब लोग अच्छे खुशी से रहे और क्या। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बिहार के ही रहने वाले हैं, इधर हाजीपुर के। हाजीपुर से आए हैं? हाजीपुर से आ जाए कि पटना में रहते? नहीं, हम पटना में भी रहते, हाजीपुर में रहते थे। अच्छा, क्या कहिएगा नए साल में महावीर मंदिर आए हैं? मजा आ रहा है बस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या मांगिएगा आज भगवान से? बस पढ़ाई के रिलेटेड कुछ। पढ़ाई से रिलेटेड जॉब वो लग जाए। चलिए, क्या कहिएगा अंकल जी नए साल में महावीर मंदिर आए? नया साल में सभी को मैंने हैप्पी न्यू ईयर और बजरंगबली सभी को मनोकामना पूरा करें, यही कहेंगे। और अपना बिहार आगे बढ़े, विकास करे, यही सब चाहिए। बिहार आगे बढ़े, विकास करे। हाँ, ये बजरंगबली से हम लोग मांगने जा रहे हैं और सारे लोग बिहार के लोग सुखी संपन्न रहे, खुश रहे। हाँ, खुश रहे, हाँ। हैप्पी रहे और अपना चलिए खुश रहे और हैप्पी रहे। देखिए भीड़ दिखा रहे हैं हम आपको, भीड़। ये महावीर मंदिर है और यहाँ पे पूरा कह सकते हैं तो खचाखच जो भीड़ है वो भीड़ उमड़ पड़ा है। कुछ कहाँ से आए भाई, कहाँ से आए हैं? यहीं से है, यही से है। आज बहुत भीड़ है? हाँ, आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है 1 जनवरी के लिए। 1 जनवरी को क्या मांगने जा रहे हैं भगवान से? भगवान से देखिए इस साल अच्छा हो जाए, वही ये साल अच्छा हो जाए। पिछला साल खराब गया था क्या? क्या बोले? पिछला साल खराब, बहुत खराब गया था। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय। बेगूसराय पटना में रहते या फिर बेगूसराय? नहीं, पटने में रहते हैं, वैसे बेगूसराय से। अच्छा, बेगूसराय। क्या कहोगे भाई नया साल? नया साल में इतने दिन में मंदिर तक पहुंच जाए वही बड़ी बात है। हाँ। मंदिर तक पहुंचने के लिए देखना पड़ रहा है, मंदिर आते थे तो ऊपर से नीचे देखते थे, नीचे से ऊपर देखना पड़ रहा है, इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़। अच्छा, अंदर जाइएगा तो महावीर मंदिर में तो भगवान से क्या मांगना है, क्या? भगवान से तो इस ये साल मेरा अच्छा जाए, पिछला वाला साल तो बहुत बुरा गया है, ये साल अच्छा जाए यही बहुत बड़ी बात है। चलिए ये साल अच्छा जाए यही बहुत बड़ी। देखिए पूरा परिवार, कहाँ से आए हो छोटू? थाना। नया साल में आगे कितना खुशी हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार, देखिए प्रिंस है, आज महावीर मंदिर पहुँचे नया साल को लेकर कैसा लग रहा है ये बताइए? अच्छा लग रहा है, पूजा करने का मन तो आए हैं पूजा करने, बहुत भीड़ है। हाँ, क्या भगवान से नया साल में क्या मांगना है?
बाल बच्चा का सौभाग्य मांगा जाता है, अच्छा साल सम्मत मरे बीते और क्या मांगेंगे। लाइफ में पहली बार आए हैं। क्या लाइफ में पहली बार आए हैं यहाँ पे नया साल में? कहाँ के रहने वाले हैं? हम लुहानीपुर के रहने वाले हैं। मेरा ससुराल हुआ जक्कनपुर, मेरे मायका हुआ। अच्छा पहला बार आए महावीर मंदिर? पहला बार नहीं, मतलब जनवरी में पहला बार। जनवरी को पहली बार आया। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यह भीड़ हम कभी नहीं देखे, इतना भीड़ कभी नहीं देखे। माँ है, चढ़ा है प्रसादी और चले जाते थे। भगवान से मिले आज की? बहुत बहुत अच्छा से। क्या मांगे? अब वो क्या बताना, भगवान दे देंगे तो बता देंगे पब्लिक को भी। दे देंगे तब बताएंगे जी। अभी नहीं बताया है, दे देंगे तो बताएंगे। कहाँ से आए छोटू? चिड़ियाटार से भैया। चिड़ियाटार से महावीर मंदिर आए हो, क्या मांगने आए हो आज भगवान से? आज ऐसी खुशी से आए महावीर मंदिर। खुशी से क्या मांगोगे? क्या मांगे? जो सब तो भगवान की कृपा से ही है, जो मांगे सब भगवान की कृपा से है। हाँ सब है, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, भगवान खुद देगा। भगवान खुद देगा क्या? पहले ही मिल जाता है, मांग ले। बिना मांगने मिल जा रहा है? मिल जाता है। कहाँ से आए? हम लोग सब चिड़ियाटार से आए। चिड़ियाटार से क्या कहिएगा, बहुत भीड़ है। बहुत, हर साल भीड़ रहता है, तो कम है भीड़? आज कम है। हाँ अभी तो जीपीओ तक लाइन जाएगा। अभी जीपीओ तक लाइन जाएगा? हाँ जीपीओ तक चला गया है। जीपीओ तक लाइन चला गया है? चला गया है जीपीओ तक लाइन चला गया है। आंटी कहाँ से आए? आंटी हम यहाँ आए हैं रामनगर से, मीठापुर जकनपुर थाना से। मंदिर में होकर आ गई? नहीं अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं तो भगवान से क्या मांगिएगा? भगवान से मांगेंगे कि हमारा देश आबाद रहे। हाँ। मेरा बाल बच्चा सुखी रहे। हाँ। जो बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं वो सुखी रहे। अच्छा। हम माँ हैं, सबका आशीर्वाद देते हैं। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं जी। नया साल कैसा बीते? हाँ नया साल अच्छा बीतेगा। अच्छा बीतेगा, कैसा बीतेगा नया साल? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है नया साल में महावीर मंदिर आया? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा नए साल में? चलिए यहाँ पर कुछ और युवा है, क्या कहिएगा भैया नए साल में महावीर मंदिर आया? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या मांगना है? बस यही कि नया साल बढ़िया से गुजरे। नया साल बढ़िया से गुजरे? हाँ एकदम खुश। पुराना साल कैसा गुजरा? वो भी रहा, ठीक ठाक रहा। बीत गई बात गई? हाँ बीत गई बात गई है। पर नया साल बढ़िया से? नया साल बढ़िया से रहे। नया साल बढ़िया से बीते। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे। भाई नया साल में महावीर मंदिर, भगवान से क्या मांगना है? भगवान से यही मांगना है कि इस साल जॉब हो जाए। जॉब हो जाए? जॉब हो जाए। 2023 में जॉब ले लेना है? ले लेना है। यही भगवान से मांगना है? यही भगवान से प्रार्थना है। कैसा बीत रहा है, कैसा लग रहा है कि 2023 में एकदम टारगेट है कि जॉब ले लेना है? ले लेना है तो ले लेना है। किस विभाग में? अब कुछ में भी हो जाए लेकिन ले लेना है। आप क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपके जितने भी लाइव सिटीज के व्यूवर्स हैं सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, जन्मदिन है, तो इसलिए आज हम पूजा करने आए हैं। और नया साल भी है तो हनुमान जी का दर्शन करने आए हैं। बस आपके लिए तो दूरी खुशी है, एक बर्थडे भी है, एक नया साल है। नया साल भी है। अच्छा तो नया साल में भगवान से क्या मांगना है? नया साल से भगवान जी से ही मांगेंगे कि बल बुद्धि विद्या देहू मुरे। अच्छा बल बुद्धि विद्या देहू मुझे। और क्या, मेहनत करेंगे, एग्जाम निकलेगा। हाँ मेहनत करेंगे, लेना है। यहाँ पटना में रह रहे हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो जॉब मिलेगा नहीं। मेहनत करके जॉब लेना जरूर। किस क्लास में पढ़ते हो? जी मैं तो बीबीए फर्स्ट ईयर में हूँ। पीजी में? बीबीए में जी। क्या करना है नए साल में? नए साल में देखिए सबसे पहले तो एक न्यू माइंडसेट के साथ, न्यू स्किल सेट के साथ आगे बढ़ना है और भगवान पे भरोसा रख के, अपने पे भरोसा रख के इस साल कुछ बेहतर करना है अगले साल से। कैसे बेहतर होगा? बिल्कुल होगा बेहतर, क्योंकि एक न्यू पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को बेहतर करेंगे। और जैसा कि श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में कहा है कि कर्म करने का अधिकार आपको है और फल देने का भगवान को है, तो अपना कर्म करेंगे। चलिए महावीर मंदिर नए साल में होलिए। हाँ भैया, नया नव वर्ष की आपको भी शुभकामनाएं, लाइव सिटी के सारे परिवार को शुभकामनाएं और पूरे बिहार वासियों को। भगवान से क्या मांगे नए साल में? बस भगवान से मांगे हैं कि बिहार के लिए किसी शराबबंदी पर या इस सब पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हमेशा यहाँ रोजगार, शिक्षा और यही बात करिए पार्लियामेंट में, क्योंकि सदन में बहुत कम ही लोगों को टाइम मिलती है। और पॉलिटिक्स से मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, यहाँ आए दिन देखता हूँ हमेशा। अच्छा, नया साल कैसा बीतेगा ये बताइए? नया वर्ष बिल्कुल शांतिमय और भक्तिमय। भगवान से क्या मांगे? बस बिहार वासियों के लिए हमेशा ही खुशहाल रहे और आने वाले सभी को लिए बढ़िया रहे। बढ़िया रहे। नया साल में क्या मांगे भाई? अभी तो जा रहे हैं भगवान की दर्शन करने। जा रहे हैं, मांगे कि हमारी अच्छी नया साल गुजरे। अच्छा से नया साल गुजरे? यस अच्छा से नया साल गुजरे। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पे पूजा करने। नया साल में महावीर मंदिर आए हो, क्या कहोगे?
बहुत सारा भीड़ है, क्या किया जाए। आदमी साइड में खड़ा होकर बातचीत कर रहा है तब तो भीड़ शांत होगा। मंदिर में गया कि नहीं गया? मंदिर में जाने के लिए तो इंतजार कर रहे हैं, पर भीड़ खत्म होता था आदमी मंदिर में जाए। क्या मांगोगे नया साल में? नया साल में बस यही मांगे कि जैसा पुराना साल अच्छा रहा वैसा नया साल भी अच्छा रहे। पुराना साल अच्छा गया था? हाँ, बहुत अच्छा गया था। नया साल में क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए बदलाव अपने आप में? अपने आप में क्या, जिस प्लेटफॉर्म पे है उसे लगे उससे आगे बढ़े, और क्या लगेगा, उससे आगे बढ़ना है। हाँ, चलिए, थैंक यू। देखिए, तमाम लोग इससे जुड़ रहे थे, और देखिए हम आपको एक बार फिर से महावीर मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं। कितना भीड़ है, तमाम जो लोग हैं वो नए साल में महावीर मंदिर पहुंचे हैं भगवान से दर्शन करने, मन्नत मांगने की ये जो नया साल है वो पूरा हो जाए। देखिए, फूल बिक रहा है, माला बिक रहा है, तमाम जो लोग हैं वो नए साल में महावीर मंदिर पहुँच रहे हैं और अपनी जो कामना है भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान ये नया साल मंगलमय बीते और हम लोग को जो कामयाबी चाहते हैं वो मिल जाए। बाकी के तमाम खबरों के बने रहे लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज का सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।